हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अफसाना। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। सो या गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस पर यूज़ कर लूँगी पॉन्स की ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर जेल। इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फिंगर्स की हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं इसे मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अगर आप अपने फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो तो आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट दिखता है और आपका जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होता है। इसके बाद मैं यूज़ कर लूँगी प्राइमर। और प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इनसाइड की 3-in-1 प्राइमर। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर टी जोन एरिया पर स्पेशली मैं अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होता है, आपके जितने भी ओपन पोर्स है वो सारे के सारे ओपन पोर्स बंद हो जाएगा। आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करेगा। मेरा प्राइमर हो गया है डन। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मालियाओ का ये वाला फाउंडेशन। इसे मैं अपने फेस पर लगा लूँगी फाउंडेशन को, और इसके बाद इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है। आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करने से पहले मैंने फाउंडेशन को अपने फिंगर्स के हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर स्प्रेड कर लिया है। आप लोग देख सकते हो मैंने फाउंडेशन को फिंगर्स के हेल्प से पहले स्प्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को धीरे धीरे ब्लेंड कर लूँगी। आपको फाउंडेशन को ड्रैग नहीं करना है, डैप करते हुए आपको अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। आप जितने इजीली डैप कर करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करेगा, कुछ भी केकी नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरा फाउंडेशन हो गया है डन। और अपने नेक एरिया को भी आपको फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है। अगर आप नेक में अप्लाई नहीं करोगे आपका फेस और नेक अलग दिखेगा। इसके बाद मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का ये लूज पाउडर। मैं इसी की एप्लीकेटर की हेल्प से अच्छे से लूज पाउडर को अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। पूरे फेस को आपको फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है, स्पेशली जहाँ जहाँ पर भी क्रीज हो सकता है वहाँ पे आपको ये वाला पाउडर अप्लाई कर लेना है। और आप जितना कम पाउडर यूज़ करोगे आपका जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। आपका नेक एरिया पर भी आपको पाउडर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम अप्लाई कर लिया है। आप कोई भी लिप बाम या फिर वैसलिन जेल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से जितने भी एक्सेस पाउडर है उसे अच्छे से रिमूव कर लूँगी। आपको कुछ टाइम पाउडर को रखने के बाद अच्छे से सारे के सारे पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेना है। इसके बाद मैं अपने फेस पर ये वाला कॉन्ट्रोल शेड लेके अच्छे से आपका जो फेस है उसे कॉन्ट्रोल कर लूँगी। ये वाला कॉन्ट्रोल ब्रश से मैं अपने फेस को अच्छे से इस तरीके से कॉन्ट्रोल कर लूँगी। कुछ हार्श कॉन्ट्रोल नहीं करूँगी, स्मूथली आपको कॉन्ट्रोल करना है। इस तरीके से मैं अपने नोज को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी। बहुत ही ईजिली आपको कॉन्ट्रोल कर लेना है। और इसके बाद मैं अपने आईब्रो को कर लूँगी डन। मैं इस तरीके की ब्रश की हेल्प से, पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रो को फिल इन कर लूँगी। देख सकते हो मैंने आईब्रो को फिल इन कर लिया है। सेम तरीके से मैं अपने अदर साइड पर भी आईब्रो को फिल इन कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हो मेरा आईब्रो हो गया है डन यहाँ पर। और इसके बाद मैं इस तरीके की एक ब्लेंडिंग ब्रश ले लूँगी। इसके हेल्प से जो वाला कॉन्ट्रोल शेड मैंने अप्लाई किया था अपने फेस पर वही वाला शेड लेके मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। ये क्रीज लाइन पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मूथली आपको ब्लेंड करते जाना है राउंड मोशन पर। यहाँ पर मैंने अपने आइज पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है कॉन्ट्रोल शेड को लेकर। अपने लोअर वाटर लाइन पर भी मैं सेम शेड को अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने अदर आईलिड पर भी सेम तरीके से वो वाला शेड अप्लाई कर लूँगी। कोई हैवी आई मेकअप आज मैं नहीं करने वाली हूँ। जो आई मेकअप है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और सिंपल सा आई मेकअप लुक मैं करूँगी। बस यहाँ पर भी मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लिया है। बस आज यही है मेरा आई मेकअप। और इसके बाद मैंने लैक्मे की आई लाइनर की हेल्प से अच्छे से आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी। अब जैसे आई लाइनर अप्लाई करते हो करना है। मैं आज जो विंग क्रिएट करने वाली हूँ वो थोड़ा सा हैवी विंग आप बोल सकते हो। मैंने थोड़ा हैवीली विंग क्रिएट किया है। नॉर्मली मैं बहुत छोटू सा विंग क्रिएट करती हूँ। आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मेरा आईलाइनर डन हो गया है और देख सकते हो ये वाला है फिनिशिंग आईलाइनर।
सेम तरीके से मैं अपने अदर साइड पर भी आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी और इसके बाद मैं अप्लाई कर लूंगी ब्लू हेवन का मस्कारा। आपको अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 कोट का मस्कारा अप्लाई कर लिया है। आप फॉल्सेस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने आज कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा एक लुक है, इसलिए मैंने कोई भी फॉल्सेस या कुछ भी एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लश, एक पीच कलर का ब्लश लेके मैं अच्छे से अपने एपल ऑफ द चीक्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और ब्लश अप्लाई करने के बाद आपका जो फेस है उसमें एक अलग ही जान आ जाता है, एक क्यूटनेस अप्लाई हो जाता है आपका फेस पर। और देख सकते हो मैंने अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर ब्रश के हेल्प से मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। ये एक पैलेट से मैंने आज अपने पूरा जो मेकअप है इसे कम्प्लीट किया है। कोई भी एक्स्ट्रा आई शेडो के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पैलेट अप्लाई नहीं किया है। और हाइलाइटर अप्लाई हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखेगा। मैंने अपने हाई पॉइंट्स पर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। आप इस तरीके से ही छोड़ सकते हो या फिर आप कोई न्यूड लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर भी अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है और ब्राउ बोन एरिया पर भी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। और देख सकते हो हमारा जो आई मेकअप है और आई लुक है बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस एक मेकअप लुक है। इसके बाद मैंने अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया है। इसके बाद मैं एट लास्ट अप्लाई कर लूँगी रेड लिपस्टिक, मैंने अप्लाई कर लिया है और ये है मेरा फिनिशिंग लुक। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक।